हेलो पिला ये हूँ मोर यूट्यूब चैनल है जो ओडिया लाइफ चेक एसी क्रिएशन के तुमको को स्वागत देख पाने आगू पढ़ी सप्तम श्रेणी विज्ञान बहर पंचम अध्याय पोषण पाठ विषय में तार आउ विषयवस्तु और तार प्रश्न उत्तर गुड़ी भल भाव आम देखी चल आज आउ डेरी नक आम षष्ठ अध्याय ताप और ताप संचरण विभिन्न मध्यम गुड़िक विषय में आम भल भाव में टिकनिक कर देखने जदि मोर यूट्यूब चैनल भल लगुता है लाइक सेयार और सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दबाक जमार भूलें ना देख पाने वर्तमान आम देखा सप्तम श्रेणी विज्ञान बहर षष्ठ अध्याय ताप ओ ताप संचरण विषय में देख आम साधारण भाव में जानते ताप कहले तातीवाटा हूँ ताप पाने ताप विभिन्न मध्यम देकर संचरण होता है यथा गोटे है कठिन मध्यम देक हम है आ गए तरल देकर हम आ गए गैसीय देकर गैसीय मध्यम देक हम बुझिपार कठिन देकर आम परिवहन प्रक्रिया द्वारा हम परिवहन मन रखा तापर तरल देकर हम परिचलन परिचलन आउ गोटे आम जो गैसीय मध्यम देखा यटा को कह जो तापटा जीव से विकिरण विकिरण मन रख तीन टाइम देखिथ ग्रीष्म ऋतु खरा बेले तुम्हें बाहर ठिया हेले आमको कौन लगुच गरम लगुच से आम जब शीत ऋतु राति में बाहर ठिया हाँ तेल कौन लगे थंडा लगे अंपक्ष बाहर आम जदि आम कौन कर चाहे जब आम आंगुठी पुरे देखा तोमको गरम लगुच बरफ को आमको आम छुईवा तो कौन लगे थंडा लगे यहीपरि विभिन्न अनुभूति मनरे धारणा सृष्टि हो गरम और थंडा अनुभूति ही गोटे वस्तुर तापीय स्थितर परिचारक परिचायक परिमापक बुझिपार तापर देख तीनो बड़ आम मग ना है मग नहीं कौन कर मग गुड़ी क ख ग आकार रखा है गोटे मग दुटा मग दुटा मग नहीं क्रे क्रे ग आकार सूचित करवा क मग्रे कौन करवा ना कि उषुम पा ना पाटा उषुम अच्छी बोल कि आम के देख पाने एकदम है टकम टकमक हो फुटुवा पा आम नेबाना है आम नेबानी ख मग्रे कौन कर साधारण पा है कौन करपुर कौन करें बाल्टी को पा ने ग मग्रे कौन करा पा नहीं कौन कर थंडा पा है कौन कर थंडा करने से किसी बरफ खंड पक बरफ खंड पक बुझिपार देख यार पूरा थंडा पा निहाई है बरफ खंड पकाई है कि नहीं एटा साधारण पा नर्माल है टेप व्वाटरटा एटा उषुम पा गरम पानी निहाई बुझिपार तुम्हें एवं कौन कर परीक्षा देख बर्तमान क पात्र तुम बाम हाथ बुड़ेब है क पात्र यहाँ उषुम पा तुम बाम हाथ बुड़े दब है ख पात्र ख पात्र कौटा साधारण पा तुम आउ थे पुणी बुड़ेब है देख तुमको ख पात्र पा थंडा लगे ख पात्र पा कौन लगे थंडा लगे कारण उषुम पाने बुड़े कि नहीं फास्ट हाथा एवं तुमको डाण हाथ को डाण हाथ कौन कर ग जो पात्र अच्छी से पात्र बुड़ेब है पुणी ख पात्र को आणिकी कौन कर पा भितर बुड़ेब कौन लगे गरम लगे देख पिले ये उषुम पा था कि नहीं उषुम पानीर तापम्रा ठू साधारण पानीर तापम्रा कौन टी कम तेणुक ये आमको थंडा लगला सेमती थंडा पा जो नहींच थंडा पा ठू तार तापम्रा ठू साधारण पानीर तापम्रा टी कम है तेणुक ये गरम लगला बुझिपार लू एवं देख यही परीक्षा आम जान लें गरम बा थंडा अनुभूत गोटे वस्तुर तापीय स्थितर परिचायक और परिमापक हो नपे है बर्तमान देख है देख अति उत्तप्त वस्तु को छुईवा ना देख पाने आम मन रखा उचित जे आम अति उत्तप्त हो वस्तु को छुईवा ना है अति गरम पाने आंगुठी आम बुड़ेबा ना यही सतर्कता अवलम्बन नक आम हाथ में फोटका बा पोड़ा घा हो संभावना थाए पदार्थर आम देख कौन जानले भल देख पाने गोटे जिन जाना जिन अच्छी पदार्थर अणुगुड़िकर गतिर बेग बढ़े पदार्थर उष्मता बढ़े और है अणुगुड़िकर गतिर बेग जदि कमिला तेल आमको उष्मता कमी जाए मतलब देखो जिते आम अणुजु अच्छे कि नहीं गरम जिते से इतस्तः कौन हे घूरी बुलवे जहाँफल कि आम कौन उष्मताटा पदार्थर फुटाक लगे जहाँफल कि आम उष्मता बढ़ला बोली आम जानू आ जिते फ्रिज रखीद तार जो कणिका मान भितर कौन उष्मता कमी जाए है जहाँफल कि बरफ हो जाए बुझिपार लि तप देख बर्तन देख आम तापम्रा विषय जाना कौन तापम्रा आम जान लें आम स्पर्श अनुभूति द्वारा आम कौन वस्तुर तापीय अवस्था विषय आम कौन सठिक एवं ग्रहणीय कौन कर मतामत दे पारिबा नाही एबे तुम्हें मन पकेल जेतेबेले तुमको तुम परिवार रे काकु ज्वर होता है सेतेबेले डाक्टर आसी जहाँ को ज्वर होता है तार देहर तापीय अवस्था किपर जानती देखिथ तुम्हें देखिथ ज्वर रोगीर काख तले जीभ तले तापमान जंत्र थर्मोमीटर रखिकी ज्वर रोगर तापम्रा मापा जाए से रोगीर कौन हुए ना तापीय अवस्था
କ'ଣ ଡାକ୍ତର ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ତାପମାତ୍ରା ବସ୍ତୁର ତାପ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ନେବା, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 10 সেমি ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, 10 সেমি ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ଏହା ଏହା ଗୋଟିଏ ସରୁ ଏବଂ ସମାନ କାଚ ନଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି, ଏହି ପ୍ରାନ୍ତକୁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ବଲ୍ବ ବା ବଲ୍ବ ଓ ଏହାକୁ ଏହା କ'ଣ ନା ଅଧିକ ପତଳା ଅଟେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ପତଳା ଅଟେ। କାଚ ନଳୀର ବାକିତକ ଅଂଶ ଏକ କୈଶିକ ନଳୀ ଅଟେ। ଏହି କୈଶିକ ନଳୀ ଅଂଶରେ 2 ସ୍କେଲ୍ ଅଛି ବୋଲି, ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ର ନାଁ ହେଲା ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତର ମାପାଙ୍କ କେତେରୁ କେତେ ଥିବ, ଯେମିତି ସ୍କେଲ୍ରେ ଶୂନରୁ ଥାଏ, ହେଲା, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ସେମିତି, ଇଏ 35-42 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ହେଲା। ଆମ ଶରୀରର ଯଦି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ହେଲା। ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ହେଲା ଜ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ 2 ପ୍ରାନ୍ତର ମାପାଙ୍କ ହେଉଛି 94.94 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ରୁ 108 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ଆମର ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, ଯଦି ଆମ ଶରୀରର ମାନେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ 98.4 ଫାରେନହାଇଟ୍, ହେଲା। ତାଠୁ ଅଧିକ ବା କମ୍ ହେଲେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ଦେଖ, ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ବଲ୍ବ ପାରଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବଲ୍ବଟା ଥାଏ, ସେ ବଲ୍ବଟା କାହିଁରେ ଥାଏ, ପାରଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର, ହେଲା, ଜାଣିବା ତାପମାତ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଇଟାଲୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗାଲିଲିଓ 1592 ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ କାଚ ନଳୀ ଓ ତାହା ଏକ କାଚ ବଲ୍ବ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। କାଚ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା, ଏହାକୁ ପାଣିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାର୍ରେ ବୁଡ଼େଇଲେ, ହେଲା, ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। କାଚ ବଲ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁର ଚାପ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜଳ ତଳ ଉପର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲୋକମାନେ ତାପମାତ୍ରା ମାପୁଥିଲେ ଶରୀରର। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା 1655 ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲକୋହଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ମଦ, ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲକୋହଲ ବଦଳରେ ପାରଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଆସ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପାଠ୍ୟାଙ୍କ, ହେଲା, କିପରି ନିଆଯାଏ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ଥିବା, ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଥିବା ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶକୁ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସୂଚିତ ସ୍କେଲ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲା। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ୍ ଧର ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଏବଂ ଏହି ସ୍କେଲ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଥିବା 2 ବଡ଼ ଦାଗର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ନିଅ। ଦେଖିବ ଏହି 2 ଦାଗର ପରାସ 1 ଅଟେ। 2 ପରାସ ଭିତରେ ପରାସ୍ଟା ଯଦି ଦେଖିବା, 2 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, 2 ଗାର ମଝିରେ 1 ସେଲସିୟସ୍। ଏହି 2 ବଡ଼ ଦାଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଟି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଦେଖ। ଯଦି 5 ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭାଗର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ହେବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 1 ସେଲସିୟସ୍ ବାଇ 5 ବୋଲେ 0.2 ସେଲସିୟସ୍ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇନିଅ। ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଆମର ଯଦି ଦ୍ରବଣ ଥିବ ପିଲାମାନେ ତାହିଁରେ ଧୋଇଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯଦି ତେଣୁକରି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇବା ଉଚିତ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏବେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସ୍କେଲ୍ ଥିବା ଅଂଶରେ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖ। ତୁମକୁ ହୁଏତ ସ୍ତମ୍ଭଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ପିଲେ, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଘୁରାଇଦେବା। ଏପରି ଘୁରାଇଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖିପାରିବ। ହୁଏତ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭକର ପାଠ୍ୟାଙ୍କଟା 35 ସେଲସିୟସ୍ ଦାଗର ଉପରକୁ ଥାଇପାରେ, ହେଲା। ସେପରି ସ୍ଥଳେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଥରେ ବା 2 ଝାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ 35 ଦାଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ବଲ୍ବକୁ ତୁମ କାଖ ତଳେ ବା ଜିଭ ତଳେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ତାପମାତ୍ରାର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ନେବା। ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ନେଲାବେଳେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଧରିବା ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଧରିବ, ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ସତର୍କତା। କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ପାଟିରେ ଦିଅ ତେବେ ଭୁଲରେ ବଲ୍ଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇବ ନାହିଁ, ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପୂର୍ବରୁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ବା କ'ଣ ଆମର ସାନିଟାଇଜର କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ କେମିତି ଧରିଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଇଏ, ହେଲା, ଏମିତି ଧରିବ, ହେଲା, ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହେଲା।
तापमान पाठ्यांक नेवा तापमान जंत्र को ठीक रूपरे धरिया प्रणाली देखैछि से हला तुमे देखिबो जे तुम देहर तापमात्रा प्राय 37 डिग्री सेल्सियस रु हला 98.4 डिग्री फारेनहाइट पर्यंत जीव हला जदि फारेनहाइट स्केल रे देखिबा 98.4 रहइबो आउ जदि डिग्री सेल्सियस स्केल रे देखिबा ताहेले 37 डिग्री सेल्सियस रहइबो एबे तुमर केते जन सांगर आमे देहर तापमात्रा मापिकी देखिया देखो पिला एटा तुमे निजे करिवो हला छात्र छात्री ना एट लिखो हला सेल्सियस स्केल रे केते होची ता तापमात्रा फारेनहाइट स्केल रे केते तापमात्रा होची सो एंदी 10 केते 5टा देची 5टा कॉलम रे 5टा पिला लिखो तमे आउ जे चाहिबो अधिक मध्य करि पारिबो जानले भलो देखो पिला सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल मध्य संपर्क होची कौन सेल्सियस जो आउ फारेनहाइट स्केल देची फारेनहाइट आउ सेल्सियस स्केल भितर तफात कौन ना सी बाई पांच इज इक्वाल टू एफ माइनस बत्तीस बाई नौ जहाँ सी बाई पांच बुझिपाल देख ल देख बर्तमान सुस्थ लोकर शरीर हाराहारी तापमात्रा केतरु 37 रु 37 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल रे 37 डिग्री तापमात्रा देखा जाए एटा नॉर्मल हला पिलाने आउ जदि फारेनहाइट स्केल कथा देखिबा ताहेले 98.4 डिग्री फारेनहाइट रहे एहाकु मनुष्य देहर साधारण तापमात्रा बोली कहा जाए जदि तुमर ज्वर होइथाय तेबे तुम देहर तापमात्राटा 98.4 डिग्री फारेनहाइट रु अधिक थाए अवश्य खरा रे चाली करि आसिले अथवा खेली करि आसिबा पर परे मध्य तुमर देहर तापमात्रा 98.4 डिग्री फारेनहाइट रु अधिक थाए किंतु किछि समय पर छाई रे बा पंखा तले बसी गले तुम देहर तापमात्रा प्राय 98.4 डिग्री फारेनहाइट हो जाए तबे ज्वर होइथिले पंखा तले बसिले मध्य देहर तापमात्रा कमे नाही बुझिपाल ज्वर तापमान जंत्र दुईटी प्रांतर मापांक 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस काहीकि अटे हला एति भितर काहीकि से रहे देख पिलाने तुमर आमर देख पिलाने ये साधारण भाव में कौन पर एति रोहे कारण आम शरीर तापमात्राटा के 37 डिग्री कि नहीं तो 35 रु 42 भितर ही रही है जेहेतु देख जेहेतु मनुष्य देहर तापमात्रा 35 डिग्री सेल्सियस रु कम बा 42 डिग्री रु बेसी साधारणतः हुए ना से बोलिका ज्वर तापमान जंत्र दुईट प्राप्तांक दिखाई बा प्रांतर मापांक दिखाई 35 रु हला डिग्री रु 42 डिग्री सेल्सियस भितर बुझिपाल यहपरि दुईट अवस्था कह जो थे कि मनुष्य देहर हला तापमात्राटा 37 डिग्री हला सेल्सियस बा एतिकि 98.4 डिग्री फारेनहाइट तळकु चली जिवो हला धई सही समय रे हला बेसी काम करथिले देखो ज्वर तापमान जंत्र व्यवहार करी केवल मनुष्य देह छड़ा अन्य को वस्तु रो तापमात्रा मापी परिबा व्यवहार हला पई व्यवहार करो हला व्यवहार करो नाही हला एपरि कि एहाकु गरम पानी मध्ये मध्ये बुडेबा नाही एहाकु खरा रे बा निया पाखरे मध्ये रखिबा नाही रखिले कोन हबो ये भांगियार संभावना अछि तापमान जंत्रे पारदर व्यवहार देख पिला माने जो तापमान जंत्र अच्छी तरह पारदर व्यवहार कौन देख तुम तुम अनुभूति जाचे ताप प्रयोग कले गरम हो जाए अर्थात ता तार तापमात्राटा बढ़ी जाए जपरी पा को जदि आम ताप प्रयोग करवा गरम हो नहीं कि समय पर थंडा करवा है कौन हो थंडा हो बेस गरम करदे फुटिकी बांफ हो बुझिपाल देख तापर ताप अपसरण कले पदार्थर तापमात्राटा साधारण भाव में कमी थाए देख जिते ताप कमी अपसारण होते पदार्थर तापमात्राटा नॉर्मल होप प्रयोग कले पदार्थर तापमात्रा बढ़िवार और ताप अपसरण कले पदार्थर तापमात्रा कमार आम देखा देख पे ताप जदि अधिक करवा बढ़ कि नहीं फुटवाटा बाफ होटा है ताप अपसारण कले कौन हो थंडा हो नहीं बरफ होटा जो है नॉर्मल गरम देख गरम पा फुटेले गरम अधिक ताप दे कौन है फुटला आउ कम ताप जिते से तापटा आस्ते आस्ते ओल्लै जाते थंडा पा हो कि नहीं फुटा पा जो कौच जोटा है तापमात्रा बदलला बदलवाटा बदलिया द्वारा कौन होना पदार्थ प्रसारित बा संकुचित होता है तापमात्राटा है बदलिया जो कौन हो पदार्थटा प्रसारित हे आकुचित देख पे जो कमी देखी कौटा गुड़ जो कमीटा से कौन कर निरे पकईदे कौन हो प्रसारण हो पुणी जिते फिक्स करक से कौन हो जाए संकुचित हो जाए जहाँ फल फिक्स होगी जाए तेणु वैज्ञानिक मैंने ठीक कले वस्तुर प्रसारण है वस्तुर प्रसारण बा संकोचन जाणिले ये भौतिक परिवर्तन को व्यवहार करी पदार्थर तापमात्रा संबंध में आम सठिक धारणा जापर कौन पदार्थ जदि तहार तापमात्रा बढ़िया अनुजाई समपरिमाण प्रसारित हुए तहार प्रसारित मापिया प्रसारण मापियापी जदि सहज हुए से ही पदार्थ तापमात्रा निर्णय करिवार व्यवहृत हुए तरल धातु पारदर केतक विशेष गुण थपमान जंत्र में आम व्यवहार करें गोटे तरल धातु पारद कौन कौन विशेष गुण अच्छी देख पे सी कौन हुए टी कम तापमात्रा पाइले से कौन हो जाए तले मानने से कौन लिक्विड आकार ऊपर उठी थाए है देख पे आगे दे देख पारदर विशेष गुण कौन ये देख पारदर विशेष गुण आम कौन जाना पारद एक धातु हेले तरल पदार्थ होइथिबारु जे कोनोसी काचनल रे आमे एहाकु नै परिबा ताप प्रयोग कले एहा कोन प्रसारण हो जाए थाय जाफळे रे आमे
तापमात्रा मापिबा साध्य। यह एक अस्वच्छ एवं उज्ज्वल तरल पदार्थ होइतिबारु तापमान यंत्रर काच मध्यरे एहा सहजरे चिकचिक करि देखा जाय ओ सहजरे आमे पढ़ी हुए ताप माने कोन मात्राडागु मापांगडागु मापी परिया। एहा काच नळीरे लागि जाय नाही, एहा काच नळीरे लागे नाही, ए उपर तळगु होइथाय। आउ कोन ना अन्य तरल पदार्थ तुलनारे अति कम तापमात्रा वृद्धिरे हला एहा अधिक प्रसारित होइ जायतिले, हला कम तापमात्रा पाइले मध्ये ए प्रसारित होइ जाय। उपरे वर्णित धर्म जोगु ही निर्धारित पदार्थर तापमात्रा निर्णय करिबा पई एहा पदार्थ ठारु बहुत कम परिमाण रे ताप ग्रहण करे एवं तेणु सेही पदार्थर तापीय अवस्था रे विशेष परिवर्तन सृष्टि करे नाही। आउ कोन होछि पिलाने एहा सहजरे शुद्ध अवस्था रे हमकु मिलि पारिबो, एटार किछि कोन इम्प्युरिटी मिसिन थाय। एहार स्फुटनांक होछि केते, स्फुटनांक हला फुटियाकु लागिबो 357 डिग्री सेल्सियस जे तापमात्रा देदो ये फुटिबो। हिमांक कोन फ्रिजिंग माने ठंडा होइजो केते रे ना माइनस हला 39 डिग्री माइनस केते 39 डिग्री सेल्सियस होइतिबारु एहाकु कोन नै आमे गठिन गठित तापमान यंत्रर परास जथेष्ट अधिक अटे, हला बुझला कि नै। तापरे परीक्षागारर तापमान यंत्र विषय देखिबा, आमे सिना आम देहर तापमात्रा ज्वर तापमात्रा यंत्र साहाज्यरे आमे मापिदेले किंतु अन्य वस्तु अछि जोडा कि तापमात्रा आमे मापिया कि नै आवश्यकता अनुसार देखो आमे बहुत जगह आमे तापमात्रा मापुचे कि नै देखिथ। खबर कागज मानकरे प्रायतः प्रथम पृष्ठ प्रतिदिन पाणीपाग संबंध में खबर निर्दिष्ट समय प्रकाश पाई थाउछि कि ने एति डिग्री सेल्सियस सेति डिग्री सेल्सियस पाउछि कि ने सेतिरे निर्दिष्ट शहर सर्वोच्च आ सर्वनिम्न मध्य देथाय, सर्वोच्च अर्थ सबटु अधिक डिग्री सेल्सियस रे देथाय को जगार आ सर्वनिम्न कोडे कम देथाय, बुझला कि ने। तुमे परीक्षा गार रे व्यवहृत तापमान यंत्र को परीक्षागार तापमान यंत्र बोली कहि पारिबो, हला देखो तुम विज्ञान शिक्षक देख प्लान एटा देख से जो आम जो परीक्षागार विज्ञानगार जो परीक्षागार जो थर्मोमीटर व्यवहार हुए से स्केल टी सेम जगह थी डिग्री सेल्सियस आउ ना डिग्री फारेनहाइट लक्ष्य कर। देख प्लान आम ए दुटार कौटा गोटे होते हैं देख से ही तापमान यंत्री सर्वोच्च और सर्वनिम्न केते डिग्री तापमात्रा मापियापाई खातार आम देखा तार के हाइस्ट अच्छे आते लोएस्ट अच्छे सब कमटा हम 10 डिग्री आरंभ हम यहाँ हम 110 डिग्री कौटा एटा परीक्षागार जो तापमान यंत्र कौन थी से 32 रु 42 डिग्री सेल्सियस कौटा आम जो तापमान यंत्रा शरीर तापमान यंत्रा है थर्मोमीटर जोटा आउ जो परीक्षागारा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस आरंभ होकर 110 डिग्री सेल्सियस पर्यंत रही थी परीक्षागार विज्ञानगार जो है से तापमान यंत्रर परास केते हला देख पिलाने परास काढ़ परासटा तुम सेटिंग करके पकई कर ज्वर तापमान यंत्र क्षेत्र में व्यवहृत प्रणाली प्रयोग करी परीक्षागार तापमान यंत्रर सबुठ छोट दागरे मध्यरे व्यवधान केते हला तुम निर्णय कर देख तुम करने देख एटा छाड़ देख गोटे बिकर में कौन कर गोटे परीक्षा देखिए गोटे बिकर में पा कल को किसी पा आने वर्तमान परीक्षागार तापमान यंत्रटी को लेकर पानी में बुड़ेवा है जपरिक तापमान यंत्रटीर बल्बटी पा संपूर्ण भाव में बुड़ीज एक दुई कौन कौन जत्न नब जपरिक बल्बटी बिकर पार्श्व व तल अंश को स्पर्श नक छुईदे भांगिज कि नहीं तापमान यंत्र को भूलंब भाव में ठिया करके रख भूमि सहित लंब करके तापमान यंत्रर नली भितर उपरकू उठा उठुवा पारद स्तंभ को आम देखा आस्ते आस्ते पारदा उठ उपरू है पारद स्तंभ स्थिर हो गले तार पाठ्यांक ने पाठ्यांक ही बिकर पानी तापमात्रा अटे देख पानी तापमात्रा मापिच कि नहीं जो पर्यटन उठा तार से पानी तापमात्रा बुझीपाल एटा परीक्षागार है यंत्रा तापमान यंत्र परीक्षा तापमान यंत्र व्यवहार कर बिकर पानी तापमात्रा मापन कराई है देख एटा बुझीपाल तो देख आउ गोटे गोटे बिकर में कि गरम पा नब परीक्षार तापमान यंत्री से बुड़े पारदस्तंभ उपर है पारदस्तंभ उपरक उठी स्थिर होगा पर्यटन अपेक्षा करपर आर मध्य पाठ्यांक नब है से ही गरम पानी तापमान तापमात्रा अटे वर्तमान तापमान यंत्र को पानी काढ़ा काढ़ भल भाव आम निरीक्षण करवा बुझिपार देख बर्तमान पाने कौन ना से कही आम तो गरम पा नहीं कले तार परीक्षा तार सूचांक जी आसा को आम लिखा है परीक्षागार तापमान यंत्र व्यवहार कला बेले निम्नलिखित सावधानता अवलम्बन करा देख पाने कौन करा ना तापमान यंत्रटी को भूलंब करके रखा है बंका करवा ना है बल्बटी संपूर्ण भाव में जल भितर को बुड़ रहा आवश्यक ना तार तापमात्रा बाहर ना बल्बटी पात्र पार्श्व तथा तल अंश को छुईवा उचित नुहे जहाँफल कि कौन तल अंश को छुईब तेल भांगिज आउ ठीक भाव में मापा आसब ना तापमान यंत्रटी जल मध्य बुड़ रही अवस्था ही तापमात्रार पाठ्यांक आम ने बुझिपार एवं मनरे प्रश्न उठुजे जल तापमान यंत्र को व्यवहार कला बेले तापमान यंत्रटी जीभ तल को काढ़ी आणिकी बाहर तापमात्रार पाठ्यांक कहीं निजाए
ଅଥଚ ପରୀକ୍ଷାଗାର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ କି କ'ଣ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ତାର ପାଠ୍ୟଙ୍କ ଭୁଲ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ରଖିକି ଆମେ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ମାପିଲେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରାଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପରୀକ୍ଷାଗାର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖାପାଖି ରଖିକି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ବଲ୍ବ ଓ କୈଶିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଭବ ବା କିଙ୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର କିଙ୍କ, ଏଇଟା କିଙ୍କ ଦେଖିଲ, କିଙ୍କଟା ଦେଖିଲ, ଦେଖ କିଙ୍କ ଦେଖିଲ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜିଭ ତଳୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଅଣାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଭବ ପାରଦସ୍ତମ୍ଭକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ହେଲା, ଏ ବିଭବଟା ପାରଦସ୍ତମ୍ଭଟାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ତମ୍ଭର ବଲ୍ବରେ ଥିବା ପାରଦ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସେହି ବିଭବ ପାଖରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ କୈଶିକ ନଳୀରେ ପାରଦସ୍ତମ୍ଭଟି ସ୍ଥିର ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଜ୍ୱର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ଝାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ହେଲା। ଏବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ପରୀକ୍ଷା ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ବିଭବ ନାହିଁ, ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏ ବିଭବ ଏଇଟା ନଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିବ, ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଦେହର ତାପମାତ୍ରା ମାପିପାରିବା କି, ହେଲା, ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ମାପିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପାରଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କାରଣ ପାରଦ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ବା ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାକୁ ସହଜରେ ଶରୀରରୁ କଢ଼ାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଶରୀରକୁ ପଳାଇଲା ସହଜରେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଡିଜିଟାଲ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କଲେଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାରଦକୁ ତାପମାତ୍ରା ମାପକ ପଦାର୍ଥ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ଆଉ ନାହିଁ, ହେଲା, ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ପାରଦର ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ତାପରେ ଆମର ଶରୀର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଲ, ହେଲା। ଯଦି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।